रिचर्डसन बैच है ये। ठीक है बेटा। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो टेक योर सीट्स, रिलैक्स, एकदम एकदम सीधे, आंखें बंद, डीप ब्रीदिंग। चलिए जल्दी से फटाफट, आंखें बंद एवरीबॉडी, एकदम रिलैक्स करो, आंखें बंद करो, डीप इनहेल करो और बिल्कुल धीरे 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 एक्सहेल करो। डीप इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली, अगेन डीप इनहेल एक्सहेल स्लोली। थोड़ा सा जो आपने कल पढ़ा था, थोड़ा सा वो रिवाइज करो कि हमने कल क्या पढ़ा था। एकदम अपनी आंखें बंद करके सिर्फ हमने ये देखना है कि हमने कल पढ़ा क्या था। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड से लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। सोचो जरा क्यों मिल्की होता है। चलो आई थिंक अभी हम ये पूछते हैं। अपने हैंड्स रब करो, रब योर हैंड्स, पुट योर हैंड्स ऑन योर आईज एंड ओपन योर आईज। तो जल्दी से मुझे, यस हु विल टेल मी, दलवीर सिंह। दलवीर बेटा खड़े हो जाओ, मैम माइक देना दलवीर को। यस टेल मी दलवीर, डू बॉइल्ड सीड्स जर्मिनेट? मैम नो नो। डू दे मेक लाइम वाटर मिल्की? मैम नो नो, बिकॉज दे डू नॉट रेस्पायर। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टूडेंट एकमजीत। मैम एकम बेटा, बॉइल्ड सीड्स जर्मिनेट क्यों नहीं करते? हाँ, बिकॉज सीड वाटर बिकॉज बॉइलिंग के बाद क्या हो जाता है बेटा? सीड्स के अंदर सीड एम्ब्रियो बॉइल होता है, उसमें करते क्या हैं चेंज आता है बेटा? किसी और ने नहीं बताना, ओनली ही विल टेल मी। सीड में मैं बहुत जोर से, हाँ अपने साथ वाले स्टूडेंट को सीड दो, में मैं बहुत मुझे सुन तो नहीं रहा बेटा। अपने साथ वाले स्टूडेंट को माइक दो बेटा। मैम बिकॉज दे एम हाँ जी, इनके एम्ब्रियो को क्या होता है बेटा? हाँ जी, मैम एम्ब्रियो, किल एम्ब्रियो गेट्स, बिल्कुल मैम गेट ठीक है। किल्ड बॉइलिंग से क्या होता है? एम्ब्रियो गेट्स किल्ड, बिल्कुल ठीक है बेटा। ठीक है, बैठो बेटा। मनवीर, मैम मनवीर को देना जरा माइक। मनवीर बेटा, यस लाइम वाटर, लाइम वाटर का साइंटिफिक नेम क्या है बच्चे? कैल्शियम, सी ए, हाँ जी मैम, यहाँ फर्स्ट गर्ल है उसको माइक देना जरा, इनका जिनका हाथ खड़ा है। मैम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल ठीक है, इट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मनवीर पता चल गया बेटा, रेज योर हैंड अगर आपको याद हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बिल्कुल ठीक है बेटा। अपने पीछे वाले मैम, इनके पीछे वाली गर्ल को देना बेटा। व्हेन इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म्स सीओ
ए CA, आगे। बिल्कुल CO3, CO3. ठीक है, CO3। व्हाट इज दिस? कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा ये बताओ कि ये सॉल्यूबल है कि इनसॉल्यूबल है? इनसॉल्यूबल. इनसॉल्यूबल है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। दिस इज इनसॉल्यूबल, इसलिए ये क्या बना देता है बेटा? पीपीटी, प्रेसिपिटेट। ठीक है, बिल्कुल बैठो बेटा, वेरी गुड। चलिए कल का थोड़ा सा ही आपको याद है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज लाइम वाटर, और जब वो CO2 से रिएक्ट करता है तो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट विच इज इनसॉल्यूबल, वेरी गुड। अब मुझे एक चीज बताइए बेटा कि दिस इज वन ग्लास, एंड दिस इज अनदर ग्लास, ए बी। रवनीत कौर, वेयर इज रवनीत? रवनीत बेटा किसकी वॉल्यूम ज्यादा है बच्चे, ए की कि मम्मी बी की? मम्मी बी की वॉल्यूम ज्यादा है, V2 V1। बिल्कुल ठीक है बेटा, अपने साथ वाली गर्ल को दो माइक। इसमें 10 पार्टिकल्स है, लेट अस से 10 पार्टिकल्स है किसी भी चीज के, और इसमें भी 10 पार्टिकल्स है। बेटा मुझे ये बताइए किसमें कोलिजन ज्यादा है, ए में कि बी में? दोनों में इक्वल पार्टिकल्स है, वॉल्यूम का फर्क है, कोलिजन किसमें ज्यादा है बेटा? भी. इसमें भी 10 पार्टिकल्स है, इसमें भी 10 पार्टिकल्स है, किसमें कोलिजन ज्यादा है? ए में। क्यों ज्यादा है? क्योंकि मैम स्पेसलेस है उसमें. स्पेसलेस है, बिल्कुल ठीक है। कोलिजन्स का मतलब क्या है? प्रेशर, राइट? सो विच प्रेशर इज मोर बेटा, पी ए इज मोर कि पी बी इज मोर? पी ए इसमें पीए प्रेशर, इसमें प्रेशर मींस कोलिजन्स, राइट? तो क्या ज्यादा, पी ए कि पी बी? पीए पी ए इज मोर एज कंपेयर टू पी बी, किसी के कंपैरिजन में ही हमने बताना है। बिल्कुल ठीक है बेटा, अपने आगे वाली गर्ल को दो माइक। यस. बेटा ये बॉटल है, ये मैंने ये लगाया है, अगर मैं इसको नीचे, ये एक्सपेरिमेंट आपको पता है सबने किया होगा, बट अगर मैं इसको नीचे को खींचूं तो वॉल्यूम बढ़ेगी कि कम होगी? मैम बढ़ेगी. बढ़ जाएगी। कोलिजन्स जो इसमें एयर एनक्लोज्ड है उसकी कोलिजन्स कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? मैम कम हो जाएगी. कम हो जाएगी। तो प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा? प्रेशर इज कोलिजन्स, मैम ज्यादा. प्रेशर इज कोलिजन्स। जब हमने वॉल्यूम बढ़ा दी, कोलिजन्स कम हो गई, तो प्रेशर कम हो जाएगा. कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, अपने साथ वाली गर्ल को माइक दो। बेटा अब मैंने इसको अंदर कर दिया, वॉल्यूम कम हुई कि ज्यादा हुई? कम कम हो गई, ठीक है। कोलिजन्स बढ़ गई कि कम हुई? मैम कम हो गई, बढ़ गई, बढ़ गई। प्रेशर बढ़ गया कि कम हुआ? प्रेशर बढ़ गया. बढ़ गया, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ठीक है चलिए बैठ जाओ, बैठ जाओ। माइक चाहे अपने हाथ में ही रखो, क्योंकि मैंने आगे की गर्ल्स से पूछना है अभी, बट अभी बोलना नहीं, बट एवरीबडी बिल्कुल इधर बेटा, बॉयज बिल्कुल इधर, कंसंट्रेट होके बेटा, इधर उधर नहीं, पीछे नहीं, सीधे होके बैठो और सिर्फ अपनी स्क्रीन पे ध्यान देना है, क्योंकि नई चीजें पता चलनी है आपको। तो हम क्या कहते हैं, प्रेशर हैज
ऑपोजिट, अभी आपको इनवर्स का नहीं पता इसलिए मैं इनवर्स नहीं बता रही, ऑपोजिट रिलेशन विद वॉल्यूम। हाँ जी, नेक्स्ट गर्ल मुझे फटाफट से बताए, बैठे बैठे ही बता दे कि इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस, ये इंक्रीज का साइन मैंने बताया है, देन प्रेशर। हाँ जी बेटा, प्रेशर इंक्रीजेस कि डिक्रीजेस डिक्रीजेस? डिक्रीजेस डिक्रीजेस। एंड इफ, नेक्स्ट गर्ल, इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस देन प्रेशर, वॉल्यूम कम हो जाएगी। नेक्स्ट गर्ल, हाँ जी फटाफट से बताओ, इंक्रीजेस प्रेशर इंक्रीजेस। इंक्रीजेस वेरी गुड वेरी गुड। अगर बेटा नेक्स्ट गर्ल, इफ दीज टू ग्लासेस आर कनेक्टेड विद अ ट्यूब देन एयर मूव्स फ्रॉम विच, ए टू बी की बी टू ए? B2A। अब ध्यान से, आपके यहां पे ये रूम है, यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स डाल दें और बाहर बहुत सारी जगह है, वहां पे थोड़े से बच्चे हैं, तो कहाँ से कहाँ की तरफ, आपके रूम से बाहर की तरफ जाएंगे कि बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे? यहाँ पे 100 बच्चे हैं, बाहर भी 100 बच्चे हैं बट बाहर बहुत जगह है। B2B। हाँ जी, नेक्स्ट गर्ल, नेक्स्ट गर्ल, रूम से बाहर जाएंगे कि बाहर से अंदर आएंगे? मैम A2B। ए टू बी छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि रूम से बाहर जाएंगे कि बाहर से अंदर आएंगे? We will go from room out. रूम से बाहर जाएंगे कि नहीं, Yes, है ना? ma'am. क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा है, 100 बच्चे हैं, बाहर भी 100 बच्चे हैं बट जगह बहुत खुली है, तो इसलिए 100 बच्चे दूर दूर खड़े हैं, अंदर तो टाइट हो गए, प्रेशर ज्यादा है, तो एयर मूव्स फ्रॉम नेक्स्ट स्टूडेंट, हाई हाई टू प्रेशर टू लो, लो प्रेशर कि लो टू हाई प्रेशर? मैम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यस, एवरीबॉडी शुड रिमेम्बर दैट एयर ऑलवेज, किसी ने लिखना है तो कॉपीज में लिख भी लो कि एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर मूव्स फ्रॉम, एवरीबॉडी, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जल्दी से, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं क्लास में। और फिर ये भी लिख लो, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन ऑपोजिट है, राइट डाउन दिस ऑल्सो। तो बेटा जल्दी से, मुझे जिसके पास माइक है वो ये बता दो बेटा कि ए से बी में जाएगा कि बी से ए में जाएगा? मैम A to B। ए टू बी, क्योंकि पी ए इज मोर देन पी बी, सो देयरफॉर एयर मूव्स फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स भी लिख लो जल्दी से। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, अगर आपको आ जाएगी तो इस क्लास में भी फायदा, आपको समझ आ गई, छोटे से बच्चे हो आप, और जब आप 9th 10th में दोबारा से यही चैप्टर्स आएंगे बट फिर आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ये तो हमें आता है, हमें बोर्ड्स की क्या चिंता है। ओके चलिए जी, अब यहां पे देखिए, अगेन दिस इज यू नो बलून लंग एक्सपेरिमेंट, आपको ये पता है, किया है आपने, सबने बनाया है ये कि नहीं बनाया क्लास में?
यस और नो, जिसके पास माइक है वो बताओ बेटा, यस बनाया ये आपने सबने प्रोजेक्ट वर्क किया है कि नहीं? मैम, मैम हैज शोन अस मैम वी हैज डोंट शोन यू, यू हैव नॉट मेड इट, है ना, बना के देखना, कोई ऐसी बात नहीं। एक पाइप लेना, अंदर बलून लगाना, नीचे से काटना और पॉलिथिन लगा देना, क्या है, कुछ भी नहीं है। सो दिस इज इन कंपैरिजन, ध्यान से देखो, दिस इज इन कंपैरिजन विद, हाँ जी बेटा, जिसके पास माइक है सबके अकॉर्डिंग बताए, सब बताओ क्या है, इसको बताओ बेटा, व्हाट इज दिस? हाँ जी आप विंडपाइप, बताओ, व्हाट इज दिस? विंडपाइप, विंड पाइप है। बलून इज कंपेयर्ड विद लंग्स, लंग्स, एंड दिस इज कंपेयर्ड विद डायफ्राम, डायफ्राम। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, दिस इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर डायफ्राम, विच कंट्रोल्स द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स या वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी। अब मुझे, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट स्टूडेंट को दो माइक। तो जब मैंने ये नीचे किया तो वॉल्यूम बढ़ा कि कम हुआ? इंक्रीज। इंक्रीज। पीछे दो माइक, पीछे दो यस बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो अंदर का प्रेशर कोलिजन इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? डिक्रीज इंक्रीज की डिक्रीज, कम हुई कि ज्यादा? डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। और प्रेशर इंक्रीज बेटा, जब वॉल्यूम बढ़ी तो प्रेशर मैं डिक्रीज डिक्रीज किया, ठीक है, किसके कंपैरिजन में? आउटर एयर के कंपैरिजन, ध्यान से सुनो, इसका प्रेशर किसके कंपैरिजन में? आउटर एयर प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो गया आउटर एयर के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब आउटर एयर का आउटर एयर का प्रेशर क्या है? हाँ जी बेटा, जब उसकी पाइप। वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, इसका प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब आउटर एयर का प्रेशर मैम ज्यादा है। तो अब एयर कहाँ से आएगी, बाहर से अंदर कि अंदर से बाहर? मैम बाहर से अंदर। और अंदर। आप देख रहे हो ये बलून स्वेल कर रहा है, ये देखो, जब हमने कम किया, कैन यू सी इट इज श्रिंकिंग, यस दिख रहा है आपको? मैम यस मैम यस ठीक है, ये श्रिंक किया है, और ये मैं नीचे किया तो ये स्वेल कर गया, ये श्रिंक, ये स्वेल, ये श्रिंक, ये स्वेल। जब डायफ्राम नीचे होता है, वॉल्यूम बढ़ जाती है, प्रेशर डिक्रीज होता है, तो बाहर से हवा अंदर आती है, बलून स्वेल कर गया। जब हमने इसको ऐसे किया, वॉल्यूम डिक्रीज कर गई, प्रेशर इंक्रीज कर गया, यस तो हवा बाहर चली मैम गई। यस इज इट ओके लाइक दिस? स्वेल श्रिंक, स्वेल श्रिंक, स्वेल श्रिंक श्रिंक, राइट? श्रिंक सो दिस इज हाउ द एयर एंटर्स और इट गोज आउट, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। सो व्हाट हैपन, ध्यान से सुनना, नई चीज बताने लगी, ठीक है। इंक्रीज इन, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन का नाम ना लेके हम बात कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट इन ब्लड, क्योंकि सेल में सेल रेस्पिरेशन हो रही है, और सेल रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में गई, तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ गया, उससे क्या हुआ? इट इज डिटेक्टेड बाय ब्रेन, ब्रेन को पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ गया है। इट सेंड मैसेजेस टू डायाफ्राम, पहले डायफ्राम क्या था?
ये लंग्स है, डायफ्राम था डोम शेप्ड, इसने ब्रेन ने मैसेज दिया डायफ्राम को, जिसकी वजह से क्या हुआ, डायफ्राम स्ट्रेट हो गया, फ्लैटन हो गया, जिसकी वजह से दिस इज V1 एंड दिस बिकम्स V2, वॉल्यूम क्या हुई, इंक्रीज कर गई, प्रेशर डिक्रीज कर गया, जिसकी वजह से एयर अंदर आ गई। यहां से ऑक्सीजन ब्लड में गई और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ गई, और कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर चला। इज इट ओके? ठीक है, तो फ्लैटनिंग ऑफ डायाफ्राम डिक्रीजेस प्रेशर एंड दैट कॉजेस इनहेलेशन। किसकी वजह से वॉल्यूम चेंज हुई, डायाफ्राम की वजह से, इसके कारण इनहेल हुआ, अगेन डायाफ्राम डोम शेप्ड हो गया, वॉल्यूम कम हो गई, प्रेशर ज्यादा हो गया, एंड दैट कॉजेस एक्सेलेरेशन। इज इट ओके एवरीबडी? ठीक है जी। जतिन शर्मा, वेयर इज जतिन, यस एब्सेंट है आज? यस देन हिमांशु गर्ग, आई एम मैम प्रेजेंट हिमांशु को, हाँ हिमांशु, ठीक है चलिए, मैं दोबारा से अब हम बात करते हैं। मैम जतिन। हाँ दोबारा से, अब मैं आपसे हिमांशु, आई एम आस्किंग यू कि व्हाट हैपेंस इफ, जतिन अच्छा जतिन इज देयर, ओके जतिन टेल मी, फर्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ लंग्स और रिब केज इज चेंज्ड बाय विच स्ट्रक्चर बेटा, कौन सा स्ट्रक्चर है? कौन टाइपर सा मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसके कारण वॉल्यूम चेंज होती है बेटा? गैप डायाफ्राम, बिल्कुल ठीक है। इट इज डायाफ्राम। बेटा साथ वाले बच्चे को दो माइक। यस ड्यूरिंग इनहेलेशन बेटा डायफ्राम क्या होता है, फ्लैटन होता है कि कर्व होता है? कर्व्ड हम इनहेल कब करते हैं? पहले तो वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम इंक्रीजेस के डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, डायफ्राम कर्व्ड और फ्लैटन, फिर रिब केज मैं बताती हूँ कि क्या है। पहले आप वॉल्यूम बताओ, इनहेलेशन कब होती है, जब वॉल्यूम कम हो जाती है कि ज्यादा हो जाती है लंग्स की, बताओ ये इनहेल हुआ कि ये इनहेल हुआ? मैम व्हेन मैम लाइक दिस देखो यहां पे गुब्बारा सिकुड़ गया और यहां पे एक्सपैंड कर गया, यस तो अब बताओ इनहेल कब हुआ, जब हमने नीचे किया कि ऊपर किया? मैम ऊपर जब ऊपर किया तो गुब्बारा सिकुड़ गया बेटा। इनहेल में हमारे लंग स्वेल करेंगे कि सिकुड़ जाएंगे? मैम फूल जाएंगे फूल जाएंगे। फूल जाएंगे मतलब उनकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी कि कम होगी?
मैम बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। तो वॉल्यूम इनहेलेशन में क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीजेस के डिक्रीजेस, इंक्रीजेस। इंक्रीजेस। बिल्कुल ठीक है बेटा, ये याद रखू। ठीक है, पीछे वाले को दो माइक बेटा, ध्यान से देखना है। बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक किया, अपने पीछे वाले को माइक दो। हाँ बेटा, प्रेशर, वॉल्यूम इंक्रीज की तो प्रेशर इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया, मैम डिक्रीज। डिक्रीजेस। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट बेटा, डायफ्राम बिकम्स, इनहेलेशन में डायफ्राम बिकम्स डोम शेप, इट बिकम्स फ्लैटेंड, लैटिन फ्लैटेंड। वेरी गुड। ये याद था कि तुक्का मारा है? हां जी बेटा, पता है आपको ना, पुल्ड डाउन, इसको जब नीचे को पुल करेंगे तो ये फ्लैट ही होगा ना बेटा। नेक्स्ट स्टूडेंट, पीछे दो माइक, दो बेटा बैठ जाओ आप। बेटा रिब केज बाहर आएगी, रिब देखो इनहेलेशन में छाती फूलती है, तो रिब केज बाहर आएगी कि अंदर को जाएगी, कम्स केज आउटवर्ड के इनवर्ड, आउटवर्ड। आउटवर्ड एंड अपवर्ड। ठीक है, तो रिब केज मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड्स। ठीक है, तो जब वॉल्यूम बढ़ती है नीचे से, बेटा इधर देखना है, ये भी लिख लेना सब, बट पहले ध्यान से सुनो, जब वॉल्यूम बढ़ रही है तो सभी तरफ से बढ़ रही है, ये रिब केज आगे को आ रही है, ऊपर को जा रही है, और डायफ्राम नीचे को जा रहा है, तो इधर से भी वॉल्यूम बढ़ रही है, आगे से भी बढ़ रही है, ऊपर से भी बढ़ रही है। ओके, वॉल्यूम बढ़ रही है, आप थोड़ा सा ये सोच के देखो, वॉल्यूम बढ़ेगी क्योंकि जब हम इनहेल करते हैं तो छाती फूलती है, वॉल्यूम इंक्रीज होती है। कैसे इंक्रीज होती है वो मैंने आपको बता दी। इज इट ओके, लिख लिया ये चीज? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टूडेंट। यस हां जी बेटा, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, वॉल्यूम, हां जी बेटा जल्दी से, वॉल्यूम ऑफ लंग्स या चेस्ट कैविटी हम बात कह सकते हैं। या रिब केज, एक ही बात है। हां जी बेटा, वॉल्यूम डिक्रीज करती है कि इंक्रीज करती है? डिक्रीज। डिक्रीज। नेक्स्ट स्टूडेंट, वेरी गुड बेटा, तो जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगी तो प्रेशर, हां जी बच्चे, मैम इंक्रीज। इंक्रीजेस। बिल्कुल ठीक है। देन हमने थर्ड आ जाते हैं, डायफ्राम ऊपर को जाता है कि फ्लैटन होता है, डोम शेप्ड है कि फ्लैटेंड है? मैं फ्लैटन। बेटा फ्लैटन ऐसा होता है, डोम शेप्ड ऐसा है, मैं डोम। याद रखना है बच्चे, है ना? सो इट इज डोम शेप। नेक्स्ट स्टूडेंट, रिब केज मूव्स इनवर्ड की आउटवर्ड, बेटा अंदर को जाएगी कि बाहर को आएगी एक्सहेलेशन में? इनवर्ड इनवर्ड। मैम इनवर्ड। बिल्कुल ठीक है। अपवर्ड की डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। इज इट ओके, एवरीबॉडी क्लियर? मैम यस। ठीक है जी, तो अब आपको वॉल्यूम का पता चला बच्चे, वॉल्यूम का, प्रेशर का रिलेशन पता चला। नेक्स्ट स्टूडेंट, हां जी बेटा माइक दो। यस मैम। बेटा एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कि लो टू हाई? मैम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इनहेलेशन में बेटा
एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा होता है कि लंग्स का प्रेशर ज्यादा होता है, सोच के बताना है। इनहेलेशन में यस एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है। नेक्स्ट स्टूडेंट, एक्सहेलेशन में बेटा किसका प्रेशर ज्यादा है? लंग्स लंग्स का प्रेशर ज्यादा है। वेरी गुड वेरी गुड बेटा। चलिए अब हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लें। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट स्टूडेंट माइक लो बेटा, खड़े हो जाओ। व्हाट इज द रेट ऑफ ब्रीदिंग? क्या आपको पता है कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? ट्वेल्व टाइम्स 12 पर टाइम्स, मिनट। बिल्कुल ठीक है। बैठो बेटा, इट इज ट्वेल्व टाइम्स पर मिनट। हम कह देते हैं 12 to 15 टाइम्स पर मिनट। बेटे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा, ये कि ये सारा लेक्चर बेटे रिकॉर्डेड है, ठीक है? आप घर में जाके खुद भी देख सकते हो, अपने पेरेंट्स को भी दिखा सकते हो कि देखो हमने आंसर दिया था जी। तो ये कौन से यूट्यूब पे बेटा, आपने, मैंने शायद कल बताया था या नहीं, के एडुकॉन ई लर्निंग, ये नोट कर लो। ये हमारा यूट्यूब पे चैनल है केडुकॉन ई लर्निंग, वहां पे ये आपका लेक्चर अपलोडेड होगा बेटा आज का। बहुत सारे लेक्चर्स अपलोडेड होंगे, बट आप अपना देख लेना रीसेंट वाला, एंड यू कैन गो थ्रू इट। चलिए जी, सो रेट ऑफ ब्रीदिंग हम बात, स्टैंडर्ड है 12 टाइम्स पर मिनट। सो 12 to 15 टाइम्स हम जनरल कह देते हैं। तो 12 टाइम्स के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट स्टूडेंट, एक ब्रेथ को अगर 1 मिनट में हम 12 बार सांस लेते हैं, तो एक सांस को लेने में कितना टाइम लगता है? नेक्स्ट स्टूडेंट, वन ब्रेथ, टाइम टेकन फॉर वन ब्रेथ इज, कैलकुलेट करो एवरीबॉडी, जल्दी से कॉपी में कैलकुलेट करो। 5 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स, बिल्कुल ठीक है। 1 मिनट में 60 ओवर 12, सो 12 फाइव सा, इट इज 5 सेकेंड्स, दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट, वन ब्रेथ इज, मैम, बोथ ए एंड बी। यस इट इंक्लूड, इट हैज बोथ वन इनहेलेशन वन एक्सहेलेशन। रिमेंबर दैट इनहेलेशन अकर्स फॉर 2 सेकेंड्स एंड एक्सहेलेशन फॉर 3 सेकेंड सेकेंड एंड टोटल इज 5 सेकेंड, 5 सेकेंड राइट? बैठो बेटा, नेक्स्ट स्टूडेंट, यस 1 मिनट। हाँ जी बेटा, विच ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस? हाँ जी बेटा, मेरी आवाज आ रही है? ब्रेन। इट इज ब्रेन, बिल्कुल यस ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा हमारी जो लंग की मूवमेंट्स है, नेक्स्ट स्टूडेंट, जो बेटा हमारी ब्रीदिंग है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है बच्चे? नेक्स्ट स्टूडेंट, खड़े होके, नहीं मोशन, मॉइस्ट स्किन नहीं, हमारी रेट ऑफ ब्रीदिंग, बर्ड्स बर्ड्स अबाउट बट हमारी रेट ऑफ ब्रीदिंग 12 टाइम्स पर मिनट। हम भागते हैं तो तेज हो जाती है रेट ऑफ ब्रीदिंग, फिर थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाती है। कौन कंट्रोल कर रहा है इसको? लंग्स। लंग्स तो ठीक है, बट लंग्स की मूवमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है बेटा? ब्रेन ब्रेन बच्चे, है ना? तो हमारी बेटा रेट ऑफ ब्रीदिंग कम या ज्यादा कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन ही कंट्रोल ब्रेन करता है, ठीक है? इट इज हाईली रेगुलेटेड, ठीक है? नेक्स्ट को दो, नेक्स्ट दो बेटा, माइक दो नेक्स्ट को। हाँ जी बेटा,
रेस्पिरेटरी ऑर्गन ह्यूमंस में कौन यस सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है बच्चे? रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है बेटा जहां पर गैस, लंग्स। हाँ इट इज लंग्स। गर्ल्स को दो बेटा माइक, फर्स्ट गर्ल। हाँ जी बेटा, इंसेक्ट्स में कौन सा है बच्चे? स्पायरकल्स। स्पाइरेकल्स, तो बेटा जिसके थ्रू हवा जाती है, जैसे हमारे नाक है ना वैसे ही इंसेक्ट्स में स्पाइरेकल्स है। बट अंदर क्या है, कौन सा है? ट्रेकिया। ट्रेकिया बच्चे, वेरी गुड, इट इज ट्रेकिया। स्पाइरेकल्स इज सिमिलर टू अवर नोज। नेक्स्ट गर्ल, अर्थवर्म में मॉइस्ट स्किन। मॉइस्ट स्किन। नेक्स्ट, फिशेस में गिल्स। गिल्स, वेरी गुड। नेक्स्ट, बर्ड्स में लंग्स। लंग्स, बिल्कुल ठीक है, इट इज लंग्स। तो बेटा ये सब जो है इनका सरफेस मॉइस्ट होता है। एक फ्लूइड की लेयर, जैसे हमारे एल्वियोलाई है ना, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई है, उसके ऊपर फ्लूइड की लेयर है। क्या फंक्शन है उसकी फ्लूइड की? क्योंकि गैसेस जो है उस फ्लूइड में डिजोल्व होती है तब वो अंदर जाती है। दे रिक्वायर सम मीडियम एंड देन दे डिफ्यूज, देन दे पास थ्रू द मेम्ब्रेन। ओके, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा। यस, व्हाट इज दिस? नेक्स्ट गर्ल, ये क्या है पूरा स्ट्रक्चर? रिब केज। रिब केज है, बिल्कुल ठीक। केज का क्या मतलब होता है? जंगला, ठीक है, तो ये रिब केज है। नेक्स्ट स्टूडेंट, बेटा रिब केज में ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? वॉयस सीधे होके बैठो बेटा, एवरीबडी स्ट्रेट एंड नो नॉइज बच्चे। हाँ जी बेटा, पता है आपको? बुक्स बंद कर दो, बुक्स में नहीं हमें चाहिए। क्या होता है ये, पता है आपको कि नहीं? नो no. नहीं, दिस इज चेस्ट बोन बेटा, दिस इज, बैठ जाओ बच्चे, दिस इज चेस्ट बोन। और ये मैं थोड़ा सा आपको इसमें भी दिखाती हूँ। क्योंकि ये स्केलेटन का स्ट्रक्चर है, आपको लंग्स तो नहीं नजर आएंगे, बट ये आपको फ्रंट में इधर बीच में ये आपको नजर आ रही है बेटा, जिसके साथ रिब्स जॉइंड है। यस और नो, जिसके पास माइक है वो सारी क्लास को रिप्रेजेंट करे, आपको नजर आ रही है बेटा सबको? मम्मी यस, दिस इज, मम्मी यस। यस दिस इज चेस्ट बोन। और ये बेटा पीछे ये आपको नजर आ रहा है, ये ऊपर तक जाता है, दिस इज योर बैक बोन राइट। ये आगे जो है मैम बैक दिस बोन। इज चेस्ट बोन, पीछे बैक बोन है। जो रिब्स है वो आगे चेस्ट बोन से अटैच्ड है और पीछे बैक बोन से अटैच्ड है। कैन यू सी दिस? और यहाँ पे जो ये कर्व्ड है, यहाँ पे मस्कुलर स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा, बट यहाँ पे डायाफ्राम अटैच्ड होता है, ठीक है, इधर अटैच होता है डायफ्राम डोम शेप। ओके, तो ये आगे जैसे हमने आपको बताया, तो आगे क्या है एवरीबॉडी? दिस इज चेस्ट बोन। हाँ जी, नेक्स्ट स्टूडेंट, चेस्ट बोन। ये क्या है, ये क्या है साथ में? जल्दी से फटाफट बताते चलो। रिब्स। रिब्स है। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये दिस मस्कुलर स्ट्रक्चर इज,
डायफ्राम. यस इट इज डायफ्राम. जी बेटा इसमें साइलेंट होता है. नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके अंदर जो ये ब्लू से स्ट्रक्चर्स है ये क्या है? लंग्स. दीज आर लंग्स. इधर उधर से नहीं बेटा हमने बताना, ठीक है? और इसके बीच में, ये तो रिब केज है ना, इसके बीच में आ जाती है विंड पाइप और वो दो में डिवाइड करती है और इसके अंदर पहुंचती है. इज इट ओके? ठीक है जी. मैम यस. तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं तो ये पता चल गया बेटा रिब केज का. तो लंग्स आर अटैच्ड, लंग्स आर एनक्लोज्ड एंड अटैच्ड विद द रिब केज. जब इनहेल करते हैं तो रिब केज बाहर को आती है और ऊपर जाती है और डायफ्राम नीचे जाता है, जिससे ये नीचे जाएगा तो लंग्स नीचे की तरफ खिंच जाएंगे, ये आगे को आएगा तो लंग्स आगे भी और ऊपर भी, सभी तरफ से वॉल्यूम इंक्रीज करती है. हाँ जी चलिए नेक्स्ट गर्ल पढ़ो जरा ये फटाफट से. ये स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं? असर्शन कहता है, असर्शन है ये स्टेटमेंट है, इंक्रीज इन CO2 कंटेंट इन अवर ब्लड कॉजेज इनहेलेशन. इज दिस राइट और रॉन्ग? ट्रू. ट्रू है ये. नेक्स्ट भी देखो, ठहरो आई एम सॉरी. हाँ जी नेक्स्ट भी देखो. रीजन इसका कि भी क्यों CO2 कंटेंट इनहेलेशन क्यों करती है, क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है? देखो जरा पहले तो ये देखो कि ये मैसेज थी, ये स्टेटमेंट ठीक है. इंक्रीज इन CO2 कंटेंट इन अवर ब्लड सेंड मैसेजेस टू ब्रेन टू स्टार्ट इनहेलेशन, ये ठीक है कि गलत है? यस ये ठीक यस है. मैम राइट है क्या इस स्टेटमेंट को ये एक्सप्लेन कर रही मैम. यस है? यस. तो इसका दिस रीजन एक्सप्लेन असर्शन, तो आंसर आ जाता है ए. ठीक है बैठो. वेरी गुड. नेक्स्ट स्टूडेंट, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेस प्रेशर, करेक्ट और इनकरेक्ट? वॉल्यूम की जब लंग्स इंक्रीज हो जाती है, ये इंक्रीज हुआ तो प्रेशर कम हुआ कि ज्यादा हुआ बेटा? वॉल्यूम और डिक्रीजेस. प्रेशर का रिलेशन क्या है, ऑपोजिट है कि सेम है? ऑपोजिट. ऑपोजिट. तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा कि नहीं? तो यस ये ठीक है स्टेटमेंट. यस नीचे देखो, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस व्हेन डायफ्राम इज पुल्ड डाउन. जब डायफ्राम नीचे खींच लिया, ये ऐसे था, इसको जब नीचे खींच लिया तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है कि गलत है? मैम राइट. राइट है, बिल्कुल ठीक. बट बेटा इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेस प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस व्हेन डायफ्राम इज पुल्ड डाउन, दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है? कि व्हाई व्हाई देयर इज डिक्रीज इन प्रेशर ऐसा नहीं पता चल रहा. वॉल्यूम क्यों इंक्रीज होती है वो तो ठीक है, कैसे इंक्रीज होती है, बट प्रेशर क्यों डिक्रीज होता है ये यहां से पता नहीं चलता है. दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है. सो आंसर इज बी. ठीक है जी. यस लास्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट गर्ल, नेक्स्ट स्टूडेंट या नेक्स्ट गर्ल जिसने आंसर नहीं दिया. हाँ जी आप बताइए, ये वाला क्वेश्चन बताइए. तीनों चारों ऑप्शंस पढ़नी है. ये देखो डोम शेप्ड मतलब है, आपको पता है डोम शेप्ड? डोम शेप्ड का मतलब ऐसे है डायफ्राम. देखो जरा आंसर क्या है इसका. C1 इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ इन लंग्स. इंक्रीज इन प्रेशर, जब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो क्या एक्सहेल नहीं हम करते? करते
करते हैं कि नहीं? यस और नो बेटा? अपने साथ वाले स्टूडेंट को दो माइक, साथ या आगे वाले को। यस हाँ, मैम। क्या आंसर आएगा बेटा इसका? मैम ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा बेटा, क्योंकि जब डोम शेप्ड हो तो लंग्स क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं, प्रेशर उनका इंक्रीज कर जाता है और हम एक्सहेल करते हैं, राइट? अगेन, डोम शेप्ड हो तो लंग्स सिकुड़ गए, प्रेशर इंक्रीज किया और हमने बाहर छोड़ा। ओके, सो आंसर इज ऑल द अबव। ओके बेटा, चलिए जल्दी से हम जो है फटाफट नेक्स्ट स्टूडेंट, जल्दी से कल वाला और आज वाला हम रिवाइज करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट स्टूडेंट को माइक दो बेटा। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन की एनारोबिक रेस्पिरेशन बेटा? जोर से यस मैम। बेटा, ब्रेक डाउन ऑफ फूड या ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक की एनारोबिक? मैम और बैक। एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट जल्दी से, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, केमिकल रिएक्शन के फिजिकल रिएक्शन? केमिकल केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन, बिल्कुल ठीक है। विच स्ट्रक्चर ऑफ द रिब केज पूरा हेल्प्स इन, मेनली हेल्प्स इन चेंजिंग वॉल्यूम ऑफ द लंग्स? प्रिगम। डायाफ्राम, इट इज द मेन स्ट्रक्चर विच चेंजेस वॉल्यूम ऑफ द लंग्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, ड्यूरिंग इनहेलेशन चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? ड्यूरिंग इनहेलेशन चेस्ट कैविटी, साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस कि डिक्रीजेस? पाई क्या वो बताओ बेटा। ड्यूरिंग इनहेलेशन चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस के डिक्रीजेस? जोर से बोलो बेटा, मुझे आवाज सुन नहीं रही आपकी। इंक्रीज इंक्रीजेस रिब केज कहां को जाती है? नेक्स्ट स्टूडेंट, रिब केज मूव्स आउटवर्ड अपवर्ड की इनवर्ड डाउनवर्ड?